No, this is not right. These days, fighting on media and social media, why there is no men's right commission or commission for men. Need to now remember that somewhere in the society that we are unable to attain those equal rights till now, and that's why the commission like us, our commission, National Commission for Women, was needed to uplift, to make know the difference between a constitutional body and statutory body. A body is being formed according to the constitution and the statute rule. We have 5 members and the chairpersons. Member can be, why there is no restriction for man as a member group in the commission. But yes, it is headed by a woman always. So why we have a commission? All these going up beyond our mandate, and government is also seeing the commission sirf or sirf complaints ke kaam nahi kar raha hai. Next, Kanan, taking complaints of JNK Ladakh and also working. We have all on social media, any untoward incident happened or hum log unko gender sensitize kar rahe hain police ko. नाइसा के साथ मिलकर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर हम अलग अलग जगह पर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम बोर्ड्स आल्सो, तो उनको हम ये ट्रेन करें जेंडर सेंसिटाइजेशन और लीगल में 5 लाख महिलाएं और करी हैं. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अब इस प्रोग्राम की अब आखिरी मरहले हैं इसके, और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा अपने हम सफर दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन श्रीमती रेखा शर्मा हैं, डॉक्टर आजला खातून, एस्टीम्ड गेस्ट, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स. ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आई स्टैंड बिफोर यू टुडे with a profound sense of gratitude and appreciation as we conclude this special program on women's rights and the role of the National Commission for Women. Honored to have had the privilege of जी, सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने इस लेवल का एक प्रोग्राम इंतखाब किया जहाँ की चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे तशरीफ़ फरमाई और उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में बयान किया. जहाँ तक हमारी कारगिल की लड़कियों और औरतों का सवाल है, मैं इस बात को बहुत खुशी के साथ इजहार करना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा हर शोबे में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं. मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ और वहाँ पे इनरोलमेंट गर्ल्स का 75% है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. और हर फील्ड में, आप स्पोर्ट्स के फील्ड में देखिएगा, एजुकेशन के फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, कारगिल की औरतें जो हैं हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं किसी भी अंदाज से, किसी भी लहजे से वो पीछे हैं, और बॉयज़ के लिए भी ये बहुत बड़े रोल मॉडल्स का काम कर सकते. ख़वातीन के लिए यही पैगाम है कि जो आपके अंदर का जो स्पार्क है उसको बाहरी आंधियों के वजह से बुझने ना दें. आपकी इसी पे एक शेर भी अर्ज है कि 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जल, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से. तो उस रोशनी को बरकरार रखें और ऑल द वेरी. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आज का हमने प्रोग्राम रखा है, मैं बहुत तह दिल से वुमेंस नेशनल वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन मैडम रेखा शर्मा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दावत को कबूल कर लिया और उनको मैंने इनवाइट किया था कि यहाँ पे आ जाएं कारगिल, और स्पेशली कैंपस में आ जाए जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% से 80% हमारे गर्ल्स हैं. तो जहाँ पर इनको हम पीजी प्रोग्राम्स के लिए एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पर एक वुमेन के लिए ज़रूरी है कि वो
एक उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ अगर वेमेन जो डिस्ट्रेस में हैं, जो लड़कियाँ जो फीमेल्स स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें किसी तरह का भी कोई इसी तरह का भी कोई इशू होगा, तो ये एक वेमेंस कमीशन नेशनल लेवल का एक कमीशन है जो वेमेंस के इशूज़ को देखती हैं और उस पर नज़रसानी करती हैं, और बहुत सारे ऐसे उनके राइट्स के बारे में, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको हमने यहाँ पे दावत दी थी और वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत सारे जो इनके प्रोग्राम्स हैं कमीशन के, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया कि वो अपने राइट के लिए और थ्रू एजुकेशन जो है इसे अचीव करें। इस प्रोग्राम में ऑलरेडी एम्पावर्ड है, एजुकेशन की तरफ पहला कदम होता है एम्पावरमेंट का, तो वो पहले ले चुकी हैं। बस ये कहना है कि इस एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी में काम में लाएं और अपने जो डिसीजंस हैं वो अपने आप लें। एम्पावरमेंट का मतलब मेरे नज़र में वो है जब एक औरत खुद अपने डिसीज़न लेती है और उसके लिए ये तैयारी कर चुकी है, काम कर, बस इनको अपने डिसीज़न खुद लेना है, अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी है, ना कि किसी के सहारे पे। देखिए हमने शुरुआत की थी ये 370 के बाद लद्दाख रीजन में भी काम करने की, और हमारा काम जारी है इनको स्पेशली लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने और जितने भी हमारे जितने भी तरह के प्रोग्राम हम चलाते हैं वो यहाँ तक पहुँचे, ये हमारी प्रायोरिटी रही।